खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने का मामला, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला नहीं हो सका है। चीफ सेक्रेटरी ने भी असेंबली इजलास से मुतालिक लाइल्मी जाहिर कर दी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ शहाबुद्दीन से। शहाबुद्दीन बताइएगा, अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका इजलास बुलाने पर? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास इल्तवा में पड़ा हुआ है। हालांकि आईनी तकाजा है कि असेंबली का इजलास इलेक्शन से 21 दिनों के बाद बुलाना जरूरी है और ये 29 फरवरी तक जरूरी है कि इजलास बुलाया जाए। लेकिन इजलास के बारे में अभी तक कुछ इम्कान नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने आज चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता किया और उनसे असेंबली के बारे में दरियाफ्त किया, तो उन्होंने लाइलमी का इजहार किया और हाजी गुलाम अली शहर छोड़ के 5 दिन की लिए निजी मसरूफियात के लिए चले गए। तो जाहिर है कि इजलास भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बुलाना होता है। ठीक, तो शाहबुद्दीन बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।